डियर स्टूडेंट्स, दिस इज वीके प्रसाद और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स लाइट चैप्टर का एक टॉपिक। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइट चैप्टर का, इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। प्रीवियस लेक्चर्स में आपने पढ़ी थी इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर, और स्फेरिकल मिरर में आपने कॉनकेव का केस भी स्टडी किया और कॉन्वेक्स का भी किया। कॉन्केव में आपने क्या किया, 5 रियल 1 वर्चुअल। वर्चुअल केसेस कब आता है, व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकल, पोल एंड फोकस। अब वर्चुअल के दोनों ही केसेस मिलते हैं, कॉन्वेक्स में रियल केसेस पॉसिबल नहीं होती है। वैसे ही हम प्लेन मिरर के अंदर देखेंगे तो प्लेन मिरर में एक चीज़ हमेशा याद रखोगे कि ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी वही इमेज की डिस्टेंस होगी, जो ऑब्जेक्ट की साइज होगी वही इमेज की साइज होगी, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। बट बनता कैसे है, रेंज कैसे आती है, ये इम्पोर्टेंट टर्म्स है जो हमें सीखनी है। तो पहला इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे, पहला इमेज फॉर्मेशन कि ये एक प्लेन मिरर है, राइट, और यहाँ पे है एक पॉइंट और यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने अपना ज़ूम कर लिया, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, सपोज ये 4 मीटर डिस्टेंस पे है तो इसका इमेज भी कहाँ बनेगा, 4 मीटर के डिस्टेंस पे ही बनेगा, यानी कि रिज्यूम कर लो यहाँ पे इसका इमेज बना। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये इमेज कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, वहाँ तो रेज मिल रही थी, यहाँ तो रेज नहीं मिल रही है, तो उसको समझते हैं। देखिए यहाँ से एक रेज तो सीधे जाएगी ऐसे, और नॉर्मल भी इस प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा इधर ही, तो यहाँ आई भी जीरो होगा और आर भी जीरो होगा, और ये बाउंस बैक होकर के लाइट इधर वापस आ जाएगी, राइट। अब एक रेज इस तरीके से जाएगा, इंसिडेंट होगा और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, राइट। जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, इसका इमेज बनेगा यहाँ पे। तो जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा उतना ही इमेज का डिस्टेंस होगा। सपोज ये एक कॉमन पॉइंट है P, तो OP किसके इक्वल होगा, PI के, यानी कि इन प्लेन मिरर याद रखेंगे हमेशा, रिमेंबर प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द इमेज डिस्टेंस। अब कभी कभी बच्चों के मन में ये क्वेश्चन रहता है कि सर ये एक्चुअली होता है या हमने एज्यूम किया, तो एक्चुअली ये होता है, हम इसको प्रूफ कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, इमेज डिस्टेंस के। इसको प्रूफ करें देखेंगे, इसका प्रूफ देख लेंगे यहाँ पे, इसका क्या प्रूफ होता है ये देखिए, इसका प्रूफ समझेंगे। टेक दिस इज द प्लेन मिरर, दिस इज द प्लेन मिरर, राइट, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस भी बोल सकते हो, हमने इसको पोल को P बोल दिया, ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ कहीं पे, राइट, तो इसका इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ कहीं, हमें इसके डिस्टेंस का भी कोई आइडिया नहीं है। तो यहाँ से एक रेज गई ऐसे और ये रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे चली गई, कोई डाउट, ओके। इसका नॉर्मल कहाँ होगा, इसका नॉर्मल होगा हमेशा प्लेन पे नॉर्मल कैसा होता है, राइट एंगल, क्लियर, ओके। अब अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये होगा एंगल ऑफ, ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे, तो यहाँ पे बनेगा एंगल आई और यहाँ पर बनेगा एंगल आर। अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंगल आई इक्वल्स टू द एंगल आर, यानी कि दोनों एंगल इक्वल होते हैं, ओके। तो मैंने इसको भी थीटा एज्यूम कर लिया और इसको भी थीटा, हमने एक फिक्स एंगल एज्यूम कर लिया, ओके। इसको हमने एक्सटेंड किया नॉर्मल को इस सरफेस पे भी वर्चुअली, और इसको हमने मान के चले कि अगर पीछे आया होता तो कुछ यहाँ पर आया होता, हमें एक्चुअली मालूम नहीं है, राइट, ओके। अगर ये थीटा है, थोड़ा सा हम इसको एज्यूम करें तो यहाँ थोड़ा गौर करो आप, ये थीटा है, क्लियर, ओके। और यहाँ से ये वाला एंगल अगर थीटा है तो वर्टिकली ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, करेक्ट, ओके। अगर ये एंगल थीटा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा, क्लियर, ओके।
अगर ये एंगल थीटा है तो ऑल्टरनेट तरीके से ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा, मतलब यहाँ तक ठीक। अब दो ट्राइंगल हमें यहाँ दिख रहे हैं, ओ पी आई के साथ हमने ए बोल दिया, सो स्टडी इन ट्राइंगल ओ ए पी, ओ ए पी एंड ट्राइंगल ए आई पी, ए आई पी इन विच, इन विच दिस एंगल इक्वल्स टू द दिस एंगल, यानी के एंगल ए ओ पी इक्वल्स टू द एंगल ए आई पी, राइट। दोनों में एक साइड क्या है, कॉमन है, ए पी इक्वल्स टू ए पी कॉमन साइड, राइट। और दोनों में एक राइट एंगल इक्वल है, ये दोनों के राइट एंगल क्या है, इक्वल है, यानी कि एंगल ए पी ओ इक्वल्स टू एंगल ए पी आई, ईच एंगल्स आर 90 डिग्री। तो ये देखो, एक एंगल, एक साइड और एक एंगल, इससे मालूम ये चल रहा है कि बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंस, क्या होगा, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे। इट मीन्स ट्राइंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ए पी आई, ए आई पी, ओके। अगर दो ट्राइंगल, आपने क्लास 9 में मैथ्स पढ़ी है कि इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंस, इट मीन्स कि बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इट मीन्स के ओ पी किसके इक्वल होगा, ओ आई के। अब यहाँ समझो, एक बात क्लियर हो गई कि ओ पी किसके इक्वल है, ओ ए के। और ओ पी यहाँ पर क्या है, ओ पी का मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ओ आई का मतलब है इमेज डिस्टेंस, ये क्या है, इमेज डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ओ पी, इमेज डिस्टेंस ओ आई, इज दैट क्लियर। सो रिमेंबर कि हमेशा इन अ प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, इमेज डिस्टेंस के, ओके। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम और थोड़ा सा इस केस को स्टडी करें, तो इमेज फॉर्मेशन में एक चीज हमेशा याद रखोगे कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो होगा वही इमेज का भी डिस्टेंस होगा, क्लियर, ओके। नेक्स्ट स्टडी करते हैं हम लोग, नेक्स्ट केस आते हैं। अगर एक प्लेन मिरर की प्लेसेस पे अगर दो प्लेन मिरर होता, तब उस केसेस में आप किस तरीके से स्टडी करते, ये मजेदार टॉपिक है, बिल्कुल समझेंगे इसको, ओके। तो सपोज सेकेंड इमेज फॉर्मेशन, सेकेंड केस कि अगर यहां समझे, इफ टू पैरेलल मिरर, पैरेलल मिरर्स, अगर दो पैरेलल मिरर एग्जिस्ट करता है, उस केसेस में क्या होगा, उस केसेस में आप इमेजेस कैसे ट्रेस करोगे। ये हमने दो प्लेन मिरर ले लिया, ये हमारे पास दो प्लेन मिरर हो गई, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस। मजेदार टॉपिक है, समझें इसको, सिर्फ ट्रेसिंग सीखनी है, इससे न्यूमेरिकल ज़्यादा आपके नहीं आते हैं, सो डोंट वरी। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ओ, और ये एक प्लेन मिरर है, और ये भी एक प्लेन मिरर है, कॉल एम वन एम टू, राइट। इसका डिस्टेंस ये यहाँ से 1 मीटर है, और ये यहाँ से 2 मीटर। स्टडी करते हैं इसको, ओके। तो यहाँ पे प्लेन एम वन किस कहाँ पे इमेज बनाएगा, थोड़ा समझो कि ये पहले वाले ने रेज, एक रेज तो यहाँ आएगी और रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी, और एक रेज यहाँ पर आ गई, ओके, और रिफ्लेक्ट होकर के ये कुछ ऐसे गई, मजेदार टॉपिक है बिल्कुल, ओके। हमने इसको एज्यूम किया पीछे, तो ये पीछे एज्यूम किया, यहाँ पर इमेज बना, कहाँ बना, इमेज पहले मिरर से जो इमेज बना उसको आई वन बोल दिया हमने, और ये भी डिस्टेंस कितना हो गया, 1 मीटर। कितना डिस्टेंस हुआ, 1 मीटर हुआ ड्यू टू एम वन, ओके। अब थोड़ा समझो फिर से, अब ये रेज यहाँ आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये फिर से, अच्छा इसका नॉर्मल देख लो कहाँ पे होगा, इसका नॉर्मल ये होगा, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे सारे रूल्स फॉलो कर रहा है। अब वापस ये रेज जब यहाँ पर आ गई, तो ऐसा फील होगा इस मिरर को कि ये ऑब्जेक्ट जो है, ये जो I1 है, ये इसके लिए I1 इज एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट,
किसके लिए? M2 के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो कितनी डिस्टेंस पे है ये यहाँ से? ये यहाँ से 3 मीटर के डिस्टेंस पे है। कितने मीटर के डिस्टेंस पे है? 3 मीटर के डिस्टेंस पे। और ये 3 मीटर के डिस्टेंस पे है तो इमेज भी इसके थ्रू कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। कहाँ पे? ये बनेगा। क्लियर। और ये भी क्या होगा? ये भी कितना होगा? 3 मीटर होगा। कितना होगा ये? 3 मीटर। अब थोड़ा समझो, अब यहाँ से ये फिर से रिफ्लेक्ट होगा ऐसे, ओके। और इसको इमेजिन कर लो कि ये लाइट ये यहाँ पे आ रही है, यानी कि आई वन इज एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट किसके लिए? विद रिस्पेक्ट टू मिरर एम टू। अब थोड़ा फिर से समझो, अब ये आ चुका है यहाँ पे, ये आई वन, इसको आई वन डैश बोल दो, ओके। फिर से अब ये यहाँ पर आ चुका है तो इस मिरर के लिए, M1 के लिए फिर से I1 डैश एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। अब देखिए यहाँ से इस वाले मिरर से ये डिस्टेंस कितना है? ये 3 मीटर है और ये 3 मीटर है, तो टोटल कितना हो गया? 6 मीटर। कितना होगा ये? 6 मीटर का डिस्टेंस आ गया। तो ये फिर से क्या होगा? फिर से ये यहाँ जाएगा जहाँ तक पॉसिबल है रिफ्लेक्शन का, और इसका वर्चुअली यहाँ कहीं 6 मीटर के डिस्टेंसेस पे ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, इस तरीके से बनेगा, ओके। ऐसे ही दूसरे केसेस के लिए, अगर यहाँ से ऑब्जेक्ट लाइट यहाँ इंसिडेंट हो रही है ऐसे, ओके, यहाँ इंसिडेंट हो रही है, तो यहाँ पर इमेज फिर से कितने मीटर के डिस्टेंस पे बनेगा? यहाँ पर 2 मीटर के डिस्टेंस पे बनेगा, और यहाँ रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे आएगा, तो यहाँ फिर से यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जाएगा, और ये रेज यहाँ कहीं आएगी, और ये इन्फिनिटी इमेजेस बनेंगे। आपने नाई के शॉप पे जाते हो तो एक मिरर सामने लगा होता है, एक मिरर पीछे लगा होता है, तो आपको इन्फिनिटी इमेजेस दिखती है क्योंकि वहाँ 2 पैरेलल इमेजेस होती है। इसीलिए यहाँ पर नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे? तो नंबर ऑफ इमेजेस यहाँ कितना होगा? इन्फिनिटी होगा। कितना होगा नंबर ऑफ इमेजेस? इन्फिनिटी। क्लियर हुआ? थर्ड, इमेज फॉर्मेशन। अभी तक हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट को लेकर प्लेन मिरर के अंदर इमेज फॉर्मेशन कुछ किया था, होगा वैसे ही अगर उसकी कुछ पर्टिकुलर हाइट हो, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के केसेस में, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के केसेस में इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से डेवलप होगी, कैसे आप तैयार करोगे, किस तरीके से ट्रेसिंग, दिस इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो वी हैव टेकन द प्लेन मिरर, दिस इज द प्लेन मिरर, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट की साइज है ए बी। क्या साइज है ऑब्जेक्ट की? ए बी साइज है। क्लियर, ओके। तो कितनी डिस्टेंस पे है? एज्यूम कर लिया कि ये डिस्टेंस है एक्स, तो आपको मालूम है कि इमेजेस भी कितनी डिस्टेंस पे बनेगी? एक्स डिस्टेंस पे। तो एक्स डिस्टेंस आगे हमने इसका एज्यूम किया यहाँ कहीं, सो ए का इमेज बन गया ए डैश और बी का इमेज बन गया बी डैश, ये इसका इमेज तैयार होगा। अब ये तैयार कैसे होगा? दिस इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। तो इसमें से 2 रेज ट्रेस करो, एक रेज आई ऐसे, इसका नॉर्मल भी इधर ही है, तो ये वापस जाएगा और इस पाथ को रिकॉल कर लेगा, बट एज्यूम करेंगे कि लाइट अंदर गई, और एक रेज यहाँ से पर्टिकुलर किसी एंगल पे आएगी, बहुत सही रेज आ रही होगी, अब इस रेज को रिफ्लेक्ट होकर के इधर जाना होगा, बट एज्यूम करेंगे कि ये रेज कहाँ आई? यहाँ गई। तो ए का ए डैश, सिमिलरली बी का क्या बनेगा? बी का ये हमने एज्यूम किया और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे आ गई, और ये इसका इमेजेस फॉर्मेशन होगा बी का बी डैश। तो जितनी इसकी ऑब्जेक्ट की हाइट है, ऑब्जेक्ट की हाइट को हमने क्या बोला? ऑब्जेक्ट हाइट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? एच। यहाँ हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज कितनी हो गई? एच डैश। डिस्टेंसेस क्या हो गई? सेम हो गई। अगर ये एक्स है तो ये क्या होगा? एक्स होगा, यानी कि आई किसके इक्वल है? ओ के। अगर ये एच है और ये एच डैश है तो ये भी आपस में क्या होगा? इक्वल। क्लियर हुआ? ये 2 केसेस आपके काम आएगी। थर्ड केसेस में अगर ये ऑब्जेक्ट किसी एंगल पे होता, एज्यूम करो ये तो अभी राइट एंगल पे है, अगर किसी और एंगल पे होता तो उसका इमेज फॉर्मेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये देखिए, ये हमारे पास ट्रेस किया कि ये किसी एंगल पे है, सपोज ये केस हमारे पास है, इसको हमने ए बोला और इसको हमने बी बोला, पर्टिकुलर ये दोनों ही डिस्टेंसेस अलग अलग हैं, यहाँ से कुछ डिस्टेंस होगा,
तो जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी ही डिस्टेंस आगे इसकी इमेजेस तैयार होगी, ए का ए डैश। ये डिस्टेंसेस मेजर है, कितना है उतना ही यहाँ कहीं पे होगी यहाँ पे। ओके, ये हमारे पास बी का बी डैश। अब ये बनेगा कैसे, ये देखें, एक रेज यहाँ से जाएगी और वापस रिकॉल हो जाएगी, और एक रेज यहाँ पर आएगी और ये रिफ्लेक्ट होकर के इधर चली जाएगी, और हम इसको एज्यूम करेंगे ये इसका नॉर्मल कहाँ होगा, नॉर्मल यहाँ कहीं होगा। ओके, सिमिलरली इसका थोड़ी सी मिरर को हमने एक्सटेंड किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेज आई रिफ्लेक्ट होकर के इधर चली जाएगी और हमने एज्यूम किया इसका इमेजेस यहाँ बन गया, यानी कि जिस एंगल पे होगा, सपोज ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, ये ऑब्जेक्ट का एंगल थीटा है, किसका, ऑब्जेक्ट का, तो इमेज का एंगल यानी कि आई थीटा बोल सकते हैं, ओ थीटा, तो ये कितना हो गया आई थीटा। इमेजेस का भी एंगल वही होगा जो ऑब्जेक्ट का एंगल होगा, यानी कि आई थीटा इक्वल्स टू ओ थीटा। जितनी इसकी हाइट है उतनी ही इमेज की हाइट है, एच इक्वल्स टू एच डैश। डिस्टेंसेस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसको हम बोलते हैं u, किसके इक्वल होगा इमेज डिस्टेंस जिसको हम बोलेंगे v। तो इस तरीके से इमेज फॉर्मेशन हम ट्रेस कर सकते हैं किसमें, एक प्लेन मिरर के अंदर। थैंक यू।